मामले में ईडी ने भी छापेमारी की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर से कुल 11 ठिकानों को जो ईडी है उसने खंगाला। इस दौरान एक खाली अलमारी में 2 AK-47 राइफल बरामद हुई, 60 कारतूस बरामद हुए। सवाल यह है कि प्रेम प्रकाश कौन है और कैसे अंडा सप्लाई करने के काम करते करते सत्ता के गलियारों में इतना उनका दबाव हो गया कि आज हेमंत सोरेन की कुर्सी तक आंच पहुंचने लगी है उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसकी। एक खाली अलमीरा और उसमें 2-2 AK-47। ये अलमीरा झारखंड के उस ताकतवर शख्स का है जो झारखंड की राजनीति में ट्रांसफर और पोस्टिंग का खुला खेल करता है। झारखंड की सरकार में उसकी पकड़ है, अफसरों के बीच उसकी पहचान है, और तो और कहा तो यहाँ तक जाता है कि आज की तारीख में प्रेम प्रकाश से ज्यादा करीबी हेमंत सोरेन का कोई है ही नहीं, और उसकी पहचान पूरे झारखंड में PP के नाम से है। नाम प्रेम प्रकाश, पहचान हेमंत सोरेन के काफी करीबी, पता हरमू रांची डोरंडा अशोकनगर। प्रेम प्रकाश के घर ईडी की टीम पहुंची तो अलमीरा की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन अलमीरा खुला तो ना पैसे मिले ना नोट, मिला तो 2-2 AK-47 और गोलियां इतनी मिली कि नोट से ई और डी लिखने के आदि हो चुके अधिकारियों ने इस बार गोलियों से ही ई और डी लिख दिया, बगल में दोनों AK-47 भी रखे। बताया तो ये भी जाता है कि हेमंत सोरेन के काफी करीबी प्रेम प्रकाश का रांची की अशोकनगर के रोड नंबर 5 के सामने जो अपार्टमेंट है, यहीं से उसका पूरा साम्राज्य चलता था और यहीं से वो अपनी सारी चीजें कंट्रोल कर रहा था। अब जरा विस्तार से जानिए कि प्रेम प्रकाश का पूरा परिचय है क्या। झारखंड में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल है, पहले मिड डे मील में अंडा सप्लाई का काम करता था, अंडा सप्लाई के जरिए ही प्रेम प्रकाश सत्ता तक पहुंच बनाई, आज की तारीख में मुख्यमंत्री तक उसकी सीधी पहुंच है, नेपाल में भी उसके कई होटल और कारोबार है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि प्रेम प्रकाश की निजी तरक्की झारखंड की तरक्की से कई 100 गुना ज्यादा है, तभी तो अंडा सप्लाई करते करते वो अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का काम करने लगे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब प्रेम प्रकाश चर्चाओं में है। इससे पहले रांची में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के घर के पास ही अपना आलीशान बंगला बनवाने को लेकर भी वो खूब चर्चाओं में रहा। कहते हैं कि पिछले साल जब CBI ने छापेमारी की तो उस बंगले का काम पूरी तरह से रोक दिया गया। वैसे इतिहास गवाह है कि प्रेम प्रकाश के काले कारनामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। प्रेम प्रकाश झारखंड की नई उत्पाद नीति के मामलों में भी चर्चाओं में रहा, शराब रिटेलरों के यहाँ स्टाफ नियुक्ति को लेकर भी विवाद में रहा। प्रेम प्रकाश को झारखंड सरकार ने 2-2 बॉडीगार्ड भी दिए थे। और तो और चर्चाएं तो ऐसी है कि सुनकर हंसी आ जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी प्रेम प्रकाश पर पटना में लालू यादव के घर से मोबाइल चोरी का आरोप लगा था, जिसके बाद लालू यादव के गार्ड ने इसकी जमकर पिटाई की थी। अब प्रेम प्रकाश के बहाने झारखंड की सरकार भी घिर गई है। ये तय है कि आने वाले दिनों में जांच की आंच तेज होगी तो शिकंजे में कई नेता मंत्री के साथ साथ कई अधिकारी भी अपने आप घिर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।